दो छोटी छोटी बातें कह करके और वो हमें समझाने की कितनी जबरदस्त कोशिश करते हैं, मैं तो सोच के दंग रह जाता हूं कि जो भी संयोग है भैया वो पुण्य के फलस्वरूप मिलते हैं, और जो भी वियोग है वे हमारे असाता के उदय में घटित होते हैं, हमारे साता असाता का खेल है। और सुनो, ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सुनो ध्यान रखना, पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, और जिनके पुण्य का उदय है उनके भी हमेशा सुख साता ही रहे, ऐसे धोखे में नहीं रहना। रामचंद्र जी हो चाहे भगवान आदिनाथ हो, 6 महीने का अंतराय पड़ा, सीता जी का वियोग सहना पड़ा, तो सबको सहना पड़ा। अत्यंत पुण्यवान जीव हैं तब भी अपने असाता को उनको भी झेलना पड़ा। संसार में यही स्थिति सबकी है, हमारी क्या विसात, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए मैं तो अपने जीवन को सुखी बना ही लूंगा संसार के सब वैभव को जोड़ करके, ऐसे धोखे में रहना ठीक नहीं। फिर भी अगर हमारा भ्रम नहीं टूटता तो बहुत बड़ी बात कह देते हैं कि सुनो, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। बुद्धू नहीं थे, अपने आप को बहुत उदार मत मानो, ऐसा डांट करके कहते, तुम अपने आपको होशियार समझते हो, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों, वो समझदार नहीं थे क्या, वो तो बहुत समझदार थे तीर्थंकर, अगर होता सुख तो काय को छोड़ते, वो बुद्धू भी थे क्या वो, और हम क्या बुद्धिमान हो गए जो उसको पकड़े हुए हैं संसार को। अरे बुद्धिमत्ता तो उनकी थी जो उन्होंने इसमें सुख ना जान करके उसे छोड़ दिया, ये तो हमारी ना समझी है, हम तो इसी में बुद्धिमानी मान रहे हैं। आज देखो तो हम ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान जितने लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा हमारे पास होगा हम उतने बड़े कहलाएंगे, ये उनकी गैर बुद्धिमानी है। जितना संतोष हमारे पास होगा उतने बड़े हम कहलाएंगे, बस जरा सा ये चेंज कर दें फिर देखिएगा। यदि ये हमारे अंदर ये विचार धीरे धीरे करके डेवलप करना पड़ेगा, इस विचार को, जो विचार आचार्य भगवंतों ने दिया है वो हमारे भीतर धीरे धीरे करके विकसित हो और उसमें दृढ़ता आए तो ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। संयोगों की असारता का हम विचार करें, पर्याय की निरर्थकता का विचार करें, और पर्याय को सार्थक बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। आत्म पुरुषार्थ करके हम अपनी इस निरर्थक पर्याय से भी सार्थक, कोई सारभूत रिलेवेंट आत्म तत्व प्राप्त कर सकते हैं, ये विचार है। इतनी सी चीज संयोग जुटाने में मैं अपना समय बर्बाद ना करूं, क्योंकि वे सब आसार हैं, मिल जाने के बाद भी सुख नहीं देते। पर्याय तो चारों प्राप्त हो चुकी हैं, कोई भी सार्थक नहीं है। मैं पर्याय को सार्थक कर सकता हूं तो सिर्फ इतना ही करके कि मैं अपने उस आत्म वैभव को प्राप्त कर लूं, आत्म शांति और आत्म सुख और आत्म संतोष पाने का कोई उपाय इस बीच में खोज लूं, तो सार्थकता तो मेरी पर्याय की इसी में है। इतनी सी चीज अगर अपन के समझ में आ जावे। राजा जनक का उदाहरण सबको प्रसिद्ध है, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण भी, कि 96,000 रानियों के बीच, अपार वैभव के बीच भी कितने अलिप्त होकर के अपना जीवन जिया। क्या हम अपनी छोटी सी घर गृहस्थी में या अपने छोटे से अपने इन संयोगों के बीच भी क्या शांतिपूर्वक संतोषपूर्वक समता भाव जितना बन सके, 100% तो नहीं बनेगा, समता भाव संतोष तो बन सकता है, तो संतोष पूर्वक शांति पूर्वक और अपना जीवन धीरे धीरे इसमें से निकालने की दृष्टि से, जैसे कि कोई व्यक्ति सकरी सी गली में फंस जाए और अंधेरा हो, अंधेरा बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा, लेकिन वहां पर गली के छोर पर थोड़ा सा उजाला दिख रहा है, उस उजाले को देख करके भैया जुगस से निकल चलो क्या कहते हो भाई, भैया वो दिखा रहा हूं निकल चलो। ऐसे ही जो है अपने उस आत्म संतोष और आत्म शांति के स्वभाव को अपने देख करके कि जुगत से निकल चलो, इसमें सुख नहीं है पता लग गया, नहीं तो फिर कोई दूसरा सुख आ जाएगा, वो कहेगा कि मैं ज्यादा सुख दूंगा, फिर वो मुझे इसी में उलझाए रखेगा। ये ठीक वैसी ही उलझन है जैसे कि कभी वो कहानी में नहीं अपन ने पढ़ी कि किसी ने एक चाबी का गुच्छा पकड़ा दिया था महल में और कहा कि इनमें से चाबियां लगती हैं, है ना,
और खोल करके तुम चाहो तो और इंटरटेन कर सकते हो। और दरवाजा बाहर से लगा करके चला गया था, और फिर बाद में उसने चाबी से जब एक दरवाजा खोला तो देखा वहां पर तो हीरे जवाहरात के खेल खिलौने पड़े हुए थे। अरे उसने कहा, वाह इतना कितना बढ़िया घोड़ा, ये इसमें चाबी भरो, ये हवाई जहाज। और फिर जो है उलझ गया, वो उलझ गया तो कितने साल निकल जाते हैं इस खेल खिलौने में, शुरू के बाद सारा जीवन का समय इसी में निकल जाता। फिर उसके बाद उसने कहा ये बंद करो, दूसरी वाली चाबी लगाई, दूसरा वाला दरवाजा खुला, वहां पर था एक घोड़ा। हाँ उसने कहा जरा सवारी करके देखा जाए, सवारी की तो सवारी में ही लग गए, पांचों इंद्रियों और मन के घोड़े हैं, घोड़े छह छह घोड़े, बैठो सवारी करो पांच इंद्रियों और मन के विषयों में। और फिर उसके बाद उसने पटक दिया घोड़े ने, तो अब गिरो, हाथ पैर भी टूट गए। अब क्या, अब स्थिति यह है कि चीजों को देख तो सकते हैं, सब पड़ी हैं, ढेर लगा हुआ है, लेकिन अब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मन चिड़चिड़ा हो गया है, अब सब होते हुए भी और कुछ उपयोग नहीं कर पाते हैं। वो अवस्था हमारी स्थिति, वही स्थिति हमारी बन जाती है आखिरी समय। लेकिन इससे पहले कि हम उस स्थिति में पहुंचे, हमें समझ जाना चाहिए कि उलझाने वाली चीजों में हम ना उलझें, और उन चीजों का ऐसे उपयोग करें बहुत सावधानी से कि बिना उलझे उनसे हम पार हो सकें। तो संभव है कि हमारे जीवन में और हमें कोई मार्ग मिले, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। धीरे धीरे इस विचार को दृढ़ करें तो इस विचार की दृढ़ता से आचरण में जरूर परिवर्तन आएगा। इसी भावना के साथ कि हम संसार की असारता, संयोगों की नश्वरता और इसका विचार करके अपने आत्मस्वरूप को अधिक से अधिक प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। वो दिया चैर गुरुवर विचार साथ।